रक्त शुद्ध होने के लिए मूत्राशय यानी किडनी पहुंचता है। रक्त में रहने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम, लवण आदि रक्त से मूत्र में छान के घुल जाते हैं। जब यही पदार्थ अधिक मात्रा में मूत्र में होती है तो यह स्फटिका एक दूसरे से मिलकर कड़क बन जाती है और किडनी स्टोन यानी पत्थर के रूप में बन जाता है। यह पत्थरी किडनी में ही रह सकता है या थोड़े समय में यह मूत्र नालिका में प्रवेश कर सकता है। मूत्र नालिका बहुत संकरा होती है। यह पत्थर अगर मूत्र नालिका में आ गया तो मूत्र बहने में अड़चन हो सकता है। किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं? पहले पीठ में दर्द शुरू होता है और यह दर्द सामने पेट के निचले भाग तक पहुंच सकता है। किडनी स्टोन्स चार प्रकार के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, स्ट्रोबाइट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन। इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ज़्यादातर होता है। किडनी स्टोन धूप काल यानी गर्मी के दिनों में ज़्यादातर होता है। ज़्यादा पानी नहीं पीने से मूत्र का मात्र कम हो जाता है और मूत्र में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, तब यह पत्थर के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा अपने आहार में नमक का अंश ज़्यादा होने से, मांस खाने वालों में ज़्यादा लवण होने के कारण, इसके अलावा दवाइयों का सेवन ज़्यादा रूप से करने से भी पत्थर का किडनी स्टोन का जमना ज़्यादा हो सकता है।